कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव? राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्ट्रॉल कॉलेज के माध्यम से होता है। इलेक्ट्रॉल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के 776 सांसद होते हैं। राज्यों के कुल 4,120 विधायकों को इसमें जोड़ा जाता है। जो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उसके कुल 4,120 विधायकों को इसमें जोड़ा जाता है। कुल इलेक्ट्रॉल कॉलेज की जो ताकत होती है वो 10,98,903 वोटों की होती है। बीजेपी की कुल ताकत का आकलन इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि 50% से ज्यादा बीजेपी की ताकत हो चुकी है और हर सांसद के वोट की ताकत का आकलन यह है कि 708 हर सांसद के वोट की ताकत। और विधायकों के मामले में राज्यों के हिसाब से वो ताकत तय होती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करूं जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर हर विधायक के वोट की स्ट्रेंथ जिसे हम ताकत बोल रहे हैं वो 208 होती है, 208। इस लिहाज से राष्ट्रपति का चयन होता है। लेकिन आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि राष्ट्रपति के नाम पर किन नामों पर देश में चर्चा चल रही है, अब मैं उसका जिक्र भी करता हूं। लेकिन ये नाम है जो सिर्फ क्योंकि ये बीजेपी है, बीजेपी में नाम चलते हैं, लेकिन नाम वही होता है जो देश के प्रधानमंत्री तय करते हैं। ये चेहरे जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, जैसे वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं इस वक्त, उनका नाम चर्चाओं में है। आरिफ मोहम्मद खान, उनका नाम चर्चाओं में है। थावरचंद गहलोत, इनका नाम चर्चाओं में क्यों है उसका जिक्र मैं आगे करूंगा। आनंदीबेन पटेल, इनका नाम भी चर्चाओं में है। और दिलचस्प बात यह है कि सियासी गलियारों में मायावती का नाम भी चर्चाओं में है। और नीतीश कुमार का जिक्र किया जा रहा है कि बिहार से उनको यहां शिफ्ट करके बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में बनाना चाहती है। इस तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन ये चर्चाएं हैं जो सिर्फ नामों के इर्द गिर्द घूम रही है। और बीजेपी वही तय करती है जो बीजेपी चौंकाती है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री का हाल में लिए गए तमाम फैसलों का मैं जिक्र कर रहा हूं। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने 2 बार कार्यकाल पूरा किया, वो 10 साल तक राष्ट्रपति रहे। ऐसे में रामनाथ कोविंद क्या यही इतिहास दोहराएंगे? वैसे भी नई बीजेपी चौंकाने में महारत हासिल करती कर चुकी है। 6 राज्यों की 13 राज्यसभा सीटों पर हाल में चुनाव हुए और 10 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका। आने वाले 5 महीने में राज्यसभा चुनाव के लिए काफी अहम है। इसकी वजह यह है कि आने वाले 5 महीने में राज्यसभा के 30% से ज्यादा सदस्य रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में राज्यसभा का गणित बदलने वाला है। राज्यसभा में बीजेपी किस तरह से इतिहास रच चुकी है उसका जिक्र भी अब मैं आपके सामने करता हूं। अब इसे देखिए, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बीजेपी ने इतिहास रचा है। पहली बार 100 के पार बीजेपी के सांसदों की संख्या हो चुकी है, 101। बीजेपी का मैं जिक्र कर रहा हूं तो इसके पीछे एक आधार है, क्योंकि 1988 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि पार्टी 100 के पार का आंकड़ा कर रही है। यह बीजेपी ने इतिहास रचा। अब राज्यसभा में किस पार्टी के पास कितने सांसद हैं उसका जिक्र भी जल्दी से हम कर लेते हैं। बीजेपी के पास कुल मिलाकर 101 सांसदों की संख्या हो चुकी है। कांग्रेस के पास 33, टीएमसी के पास 13, डीएमके के पास 10, बीजेडी के पास 9, आम आदमी पार्टी के पास 8, सीपीआईएम के पास 6, टीआरएस के पास 6 और समाजवादी पार्टी के पास 5 राज्यसभा के सांसद। ये राज्यसभा के सांसदों की जिक्र मैंने किया जो पार्टी के हिसाब से, और बीजेपी इसमें अव्वल है। अब आगे देखिए, इतनी राज्यसभा सीटें जो खाली हो रही है उसका जिक्र भी कर लेते हैं। और जो सीटें खाली हो रही हैं वो आंकड़े अब आपके सामने होंगे। अप्रैल में कुल मिलाकर 19 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, मई में 1, जून में 20 सीटें खाली हो रही हैं, जुलाई में 33 और अगस्त में 2 सीटें खाली हो रही हैं राज्यसभा की। जो कुल मिलाकर सीटें खाली हो रही हैं, अगर मैं 5 महीने का जिक्र करूं, आने वाले 5 महीने में कुल मिलाकर
75 सीटें 75 सीट्स खाली हो रही है। इसलिए ये बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। राज्यसभा के हिसाब से, लोकसभा के हिसाब से, विधानसभा के हिसाब से, इस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होगा राष्ट्रपति का चुनाव। और जिन नामों के इर्द गिर्द चर्चाएं चल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी चौंकाने में माहिर है और बीजेपी किसी एक चौंकाने वाले चेहरे को सामने ले आए, जैसा हाल ही में हुआ।